बहुत पुरानी बात है, एक आदमी था जिसे एक बीमारी थी बहुत ही ज्यादा बोलने की। वो दो मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना जरूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी भी विषय में हर दो मिनट में बोलना ही होता था। वो आदमी भी इससे बहुत परेशान था और सोचता था कैसे इससे छुटकारा पाऊं। वो गुरु की तलाश में बाहर निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उसने सोचा यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं। वो साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे गुरुजी साधना से बाहर आए, वो आदमी उनके चरणों में गिर गया और बोला, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चला कि उस आदमी को बहुत ही ज्यादा बोलने की आदत है। वो आदमी दो मिनट भी चुप बैठ नहीं सकता। वो आदमी हर रोज गुरुजी से एक ही बात पूछता कि गुरुजी इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब भी गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है, इसलिए वह चुप हो जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता। वहां से भिक्षा मांगता और वहां से जो कुछ भी मिलता आश्रम में लेकर आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य को कुछ ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ख्याल रखते, ध्यान रखते कि कहीं मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वह शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगता है। अब उसे ज्यादा बोलने की आदत थी, वो दो मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने उस घर में नजर घुमाई तो उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर में बहुत मोटी थी और उसके घर का दरवाजा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा, भाई साहब आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपके घर का दरवाजा बहुत छोटा है, यदि ये भैंस मर जाए तो इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालोगे आप। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर शिष्य के पीछे पड़ा उसे मारने के लिए, लेकिन शिष्य वहां से भाग खड़ा हुआ। अब भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुनेगा, वो भी एक भिक्षुक के मुख से। वह शिष्य वहां से भागते हुए एक दूसरे घर में जाता है और वहां पे जाके वो भिक्षा मांगता है और वहां भी उस घर में वो नजर घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूं। तभी सामने एक औरत बैठी थी, उस औरत से वो कहता है, देवी आपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियां पहन रखी है, यदि आपके पतिदेव मर जाए तो इस चूड़ियों का क्या करोगे। वो औरत भी शिष्य पर बहुत गुस्सा हुई और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। उस औरत ने कहा, एक भिक्षुक अपने मुख से ऐसा बोलता है, एक तो मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे पति को ही मार रहे हो। ऐसा करके उस औरत ने शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य की वो आदत थी, वो कई बार मार खा चुका था लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिली, इसी के चलते वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, भला यहाँ किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। वह उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और जाकर देखता है कि खोपड़ी तो बोल रही है। उस खोपड़ी ने कहा कि भाई तुम कौन हो। तभी वो शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुंच गया। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, ये तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, ये कैसे बोल सकता है, और ये बात यदि मैं राजा को बताऊंगा तो राजा जरूर मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को जाकर अपनी सारी बात बताई। राजा को पहले तो लगा इसने मदिरा पी रखा है और इनाम के चक्कर में इतनी बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। शिष्य ने कहा, महाराज मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, आप मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि चार सैनिक इसके साथ जाओ और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधे पर बिठा कर लाना और यदि बात झूठ निकलती है तो उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहां पर पहुंचे तो वहां पर खोपड़ी पड़ी थी और उस खोपड़ी से वह शिष्य ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तो खोपड़ी कुछ नहीं बोली।
बार बार सिस्सी ने उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस सिस्सी को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आए और राजा से आकर कहा कि महाराज जी, ये तो झूठ बोल रहा है। खोपड़ी तो वहाँ पड़ी है, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है? ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वो आदमी थर थर कांपने लगा और अपने गुरु को याद किया। गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है, गुरु को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि शिष्य मुसीबत में पड़ गया है और वो ज्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आता है और राजा को जैसे तैसे समझाकर उस शिष्य को वहां से छुड़ा देता है और शिष्य और गुरु दोनों ही आश्रम में वापस आ जाते हैं। तभी वो गुरु कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी वो शिष्य कहता है, गुरुजी, मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप हो कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हो। मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूँ। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब वो शिष्य गुस्से में वहां से चला जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। इसके बाद वो शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा पड़ गया था, शाम हो गई थी, प्रकृति में पाए जाने वाले हर चीज अपनी गहरी नींद में चले गए। तभी शिष्य आकाश में देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे हैं और रात की एक शांत आवाज सुनाई दे रही है जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आवाज होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी मौन की। उसका मन एकदम खुश हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया, उसको एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता तो वह शांत हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया और गुरुजी मुझे हर बार ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी वो शिष्य बैठकर पूरी तरह मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वो शिष्य वहां से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन मिल गया है। तभी वो गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है। सबसे बड़े ज्ञान को पाने का सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता और जिसने भी धारण किया वो दुनिया का सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा।